ब्रह्म कह दी, ब्रह्म मान ली। टाइम का और 2 बज रहे, 2 बजे जब कोई नहीं हुए, 3 बज गए, 3 बज गए, सही कह रहे हैं। 3 बजे तो हम लोग वहीं थे, आपको आपके पास ऐसे 2:40 में तुम चौराहे पे आए हैं। अरे जहाँ पे बहुत भीड़ थी, जहाँ पे का नाम बास खाजा वाले पे बहुत भीड़ थी, आज फिर हम उधर से घूम के आए हैं, लाल सफारी हुई, आज सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए। आज का तुम गुजरे हैं भाई, ईसवी का पहला दिन है, ईसवी सदी 2023। ये सदी का तो ये तीसरा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। अरे रात में है तो कौन, रात रात से लग रहा है, रात भर कोहरा पड़ा। अरे रात के संजय शुरू है वो जो, रात में हम रामलिया रोड पे थे तो भाई धुंध लगी थी हल्की हल्की, रामलिया रोड पे हमने कहा यार हमने चल रहे, हमने कहा हमने कोहरा हमने जो है, लेकिन 10 बजे पे काफी जो है तेज है कोहरा। क्यावन के तुम हो गए, याद आई थी तब जो जितने बड़े हो तू तब जब बस जी केवल जाए देख जे हमारा सामने चटको नहीं है तो बस केवल ये चक जो है हम अपनी सवार का ये जो तुम रात से खरियान है अपने खेत को अभी रखा करो हां ये सब जमीन जो अपनी सवार की है इधर जो है शंकर जी की स्थापना नर्मदेश्वर महाराज बैठा ले तुलसा जी को। अच्छा ये 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 तुलसी के लिए बनाएगा, ये तुलसी के लिए और ये शंकर जी के लिए यहाँ पर शंकर जी को, तो यहाँ नर्मदेश्वर बैठा दो। हाँ लेकिन शनि महाराज को स्थापित कराई पा रही है बजरंग वाली जी, यहाँ पे शनि महाराज यहाँ जी बोरी वोरी रखी है। चलो बढ़िया, बजरंग बली शनि महाराज एक साथ नहीं रह सकते ना, वरमदेव है ही ऊपर, ब्रह्मदेव है तो उनके चेले चपाटे सब आए। हाँ जी बनाया है, कंपास हाँ है, सब है। बाबू सही काम नहीं कर रहे, स्लो प्रोसेस में काम कर रहे हो, उत्तर उत्तर हाँ यही है, उत्तर दिशा में है, मान के चलो लाइन से अलग कट हुई वो, इसलिए लाइन का सवाल ही नहीं है। यही ज्यादा सही रहेगा तुम्हारी, एक टंकी ऊपर रखवा दो, हेलो और पाइपलाइन जो आराम से आपको छड़ पर धार चलती रहे, हम बस एक टंकी में एक कपूर की डोज हटा करो। हाँ तो बस तो और आनंददायक नहीं, शंकर जी पे कभी पापा के हाथ कपूर मिला रहेगा, बस कपूर भी एक इतनी ढक के आएगी पेड़ पौधा लगा दिए फूल वाले भाई में अपने जो है पानी ना भैया।
अर्घा अर्घा नहीं लांगना चाहिए। तो अर्घा तो वैसे नहीं लगेगा। अब आपसे बताओ जैसे नीचे फर्श करा है दीवार है ये थोड़ा नीचे हो फर्श तो चाहिए ज्यादा है। नहीं फर्श तो ज्यादा से 9 इंच ऊपर रखो। हम जाति बात कर रहे हैं जब टाइल्स लगे हैं। टाइल्स लगे ऊपर हम दो रीत तो आए ठीक। ये वैसे शंकर जी हमेशा इससे नीचे रहते शंकर जी भूमि के नीचे नीचे ही रहते हैं। नहीं अधिकांश मंदिरों में तो यही देखा गया है। जितने भी आपके बड़े मंदिर हैं नहीं अब जिनके स्थान बना करके ऊंचे वो अलग बात है लेकिन सब जुड़े के नीचे हैं। ये शिवलिंग इससे नीचे रहना चाहिए। शिव का अर्घा का जो स्थान है अर्घा जो रहेगा वो नीचे रहेगा। नहीं चाहिए तो हम आपको लेवा के ले आए। अब आप जो है जी बताओ कि जाने जी पूरे फर्श कराए गए जी तो नीचे बनवाना नीचे बनवाना कितो मतलब जैसे कम से कम 9 इंच 9 इंच जो मतलब और खुद है ना खुद भी जूती नहीं पड़ी 9 इंच अपने आप बुझिए जो है 9 इंच कहाँ रहे जब तुम जे लेवल में रहो तो वो तो डाउन चला ही जाएगा। आप किसी भी मंदिर में देख लें किसी भी मंदिर में तल से हमेशा केवल 6 मंदिर छोड़ दिए टावा के हमने 6 मंदिर देखे। नहीं यहाँ ऊंचे पे नहीं नहीं बड़े मंदिरों की बात करें बड़े मंदिरों की अगर बात करेंगे तो सब नीचे। वैसे नीलकंठ में तो बराबर में ही है प्लेन में रखे नीलकंठ में प्लेन में नीलकंठ में प्लेन में नहीं है नीचे हैं लेकिन उनका अर्घा नीचे दबा हुआ है इसलिए अर्घा उठ गया दिखाई देता है क्योंकि अर्घा का स्टैंड जो है वो नीचे ही है। अर्घा थोड़ा सा ऊपर उठ गया है क्योंकि वहां पे जो अभिषेक करने के लिए पात्र लगाने के लिए उन्होंने बना रखा ईमानदारी की वजह है और वो तांत्रिक विद्या पे है क्योंकि वो नेपाली बाबा की कृपा रही वो। अच्छा अच्छा उन्होंने अपने हिसाब से उसका सृजन किया क्योंकि नेपाली बाबा से बड़ा कोई तांत्रिक इटावा में दूसरा नहीं, नहीं तो आप जो बताओ कि जब वो फ्रेम बनवाए दें और जब वो फ्रेम बनवाए दें फ्रेम तो बनी है बनाई नहीं तो नहीं आप समझे नहीं आया तो ये ऐसी रख देंगे भाई जी तू जो है जो गिट्टी जानना भरा था के बारे में। अच्छा दूसरी बात यह है कि इसका बिल्कुल नीचे का हिस्सा चौकोर कर दिया अभी चौकोर नहीं है। कैसो 24 24 24 और फिर शिवलिंग की स्थिति देख करके आदमी तय करता है 6 इंच शिवलिंग लिया है मंदिर बना रहे तो कम से कम 9 इंच की शिवलिंग नहीं तो अब आप बता तभी तो आप लिया है जो पूर्णांक 9 होता है 9 इंच का ही रखो काला हो क्योंकि दो ही कलर में आते हैं काले हो लाल वो सॉरी काले हो सफेद काले सफेद में और जो वहाँ के हैं नर्मदेश्वर के वो सब मटमैले हैं। नहीं उन तो कई कलर भी निकला हमने देखा काले निकलते हैं कई कलर निकलते उनको कोई आकार नहीं है। हमारी समस्या तिवारी सुनो 6 कोण के हैं सुनो मेरी बात सुनो हमारी समस्या चाचा अगर हम गलत कर रहे हो नर्मदेश्वर ले आओ सबसे बढ़िया वो प्राकृतिक बनावट के होंगे और ये आप मतलब मॉडिफाई करे वही लाएंगे इनमें छेनी चली हुई होगी नहीं फिर आपकी इच्छा नहीं फिर नादिया तो लेनी पड़ेगी नादिया मतलब नादिया तो रखनी पड़ेगी नहीं जो जबलपुर के जो आते हैं वहाँ बली हुई नहीं मिलती हाँ नहीं अगला मिल जाएंगे आपको जोधपुर में मिल जाएंगे भरतपुर में मिल जाएंगे जयपुर में मिल जाते हैं जयपुर में मिल जाएंगे पूरा सेट मिल जाएगा बहुत जगह मिल जाते हैं। जबलपुर चलो सीधे नर्मदेश्वर ले आओ नर्मदेश्वर बस ये है कि जो आपके हाथ में पहली बार में आई वही वही से हुए बस और क्या नहीं है को गोल मिले आपको तो वहाँ रखे नर्मदेश्वर सामने रखे अपने आप में बहुत पुराने रखे उससे जय रहे कि नर्मदेश्वर का चयन करो यूं रखे थे पहले पटक दिया नर्मदेश्वर से आई हुई थी बाकी उठाई लेगा
नहीं हम पेड़े और लगवाए नहीं ज्यादा का नाम जो एक तो बेलुआ दूसरा आंवला जो शंकर जी को सब प्रिय है और तीसरा मौलश्री मतलब हर श्रृंगार शंकर जी ने भेज दो हवाई व्यवस्था पहले पहुंचे और जब से हमने बटैया रखी है तब से जमे आओ हूँ रखी बटैया जो इन बार तो रख दी हमने औषधि भी है वो बहुत बड़ी नहीं दर्द बेलाडोना क्या है वही है बेलाडोना धतूरे के बीज जूते दर्द के तेल आते हैं धतूरा पड़ा था गठिया के लिए रामा औषधि है गठिया के लिए या बात हो जाए क्या तो रे धतूरे को तेल जो है तेल में पड़ता धतूरा उन्हें तमाम रोग उधर रोग है तो लंबोदर कहीं कहीं है लंबा है उधर जिसका चौबीस बाई चौबीस चौबीस कर लियो सत्ताईस कर लियो सत्ताईस इंच कर लियो नौतीस सत्ताईस सत्ताईस बाई सत्ताईस सात और दो नौ पूर्णांक बोलो रे हां बिल्कुल वो भी है सत्ताईस बाई सत्ताईस कर लो यही हमने कहा हां नहीं अब जैसे अपना व्यापार रास्ते में जो बात हुई थी सत्ताईस ही है ये रामायण चौबीस घंटे तब में सत्ताईस घंटे सत्ताईस घंटे और लेकिन चौबीस घंटे में लोग खत्म करना चाहते नहीं लेकिन फिर हवन होता है तो एवरेज बराबर पूरे सत्ताईस घंटे पूरे हो लेते हैं पूरे चौबीस पच्चीस घंटे तो ले लेते हैं रामायण पच्चीस घंटे तो हो जाती है फिर दो घंटा जी हवन के लें योग पूरा हो जाता है और चूंकि उसमें हवन में भी सब रामायण की ही चौपाइयों का प्रयोग है छह लाइटें लगवा दें ये सब आसपास अभी एक आए हैं गांव में जहां पर मंदिर निर्माण हो रहा है और 2023 का ही मेरा पहला वीडियो है अब इसके बाद वीडियो शायद कुछ रुक के आएंगे लेकिन अब हम निकल रहे हैं तीर्थ यात्रा पर तो आपको शायद विभिन्न विभिन्न जगह के वीडियो देखने को मिलेंगे जैसे गंगा सागर है और आपके जगन्नाथपुरी है अयोध्या चित्रकूट अन्य जगह के अभी तो हम लोग यहाँ पर जहाँ नर्मदेश्वर की स्थापना हो रही है वहाँ पर आए हैं नर्मदेश्वर का नाम हम लोगों ने सजेस्ट किया है अंदर का बढ़ लेंगे ये क्या ये पितर भवन है अच्छा जी हमारे भाई पूर्वजों का वो स्थान है पितर भवन है सीधा हेलो दोस्तों आज 2023 का पहला दिन यानी पहली जनवरी और आज मौसम इतना ख़राब था विजिबिलिटी आप अभी भी देख रहे हैं चार बजने जा रहे हैं और विजिबिलिटी आप देखिए सारे दिन ऐसा ही रहा तो आज कहीं नहीं जा सका तो लेकिन हमारे हिसाब से आप लोगों के नहीं क्या हमारे हिसाब से तो हम भय हैं आज एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है
और शिव मंदिर का, तो वहाँ चर्चा चल रही थी, तो हमने भी अपनी राय व्यक्त की कि यहाँ पर नर्मदेश्वर की स्थापना कराई जाए। देखो सहमति बन रही है, और बन जाती है तो हम बिल्कुल अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि वैसे नर्मदेश्वर की ही सहमति बन रही है कि नर्मदेश्वर भगवान की स्थापना की जाए। और पहले दिन के हिसाब से तो अच्छा हुआ, भगवान शिव मंदिर के निर्माण पर आए और कहीं हम नहीं जा सके वीडियो बनाने। अब हम अपना वीडियो ही समाप्त करते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं, और आगे फिर देखेंगे नव निर्माण मंदिर है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका एक वीडियो फिर हम अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।